हेलो फ्रेंड्स, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं चने के दाल का पराठा बनाना बताने जा रही हूँ। इसके लिए देखिए, मैंने एक चम्मच सरसों का तेल कढ़ाई में ले लिया है। इसमें देखिए लहसुन मिर्च गरम हो गया है। मैंने लहसुन मिर्च, साबुत ही लहसुन और साबुत ही मिर्च डाल दिया है। और हम इसमें लेंगे 5 से 6 दाने काली मिर्च के। हम इसमें लेंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग का। जीरा लेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच हम जीरा लेंगे। ये देखिए 2 छोटी इलायची ली है मैंने, 2 लौंग ले ली है मैंने और 1 बड़ी इलायची। ये सारी चीज़ों को हम पकने देंगे, थोड़ा ब्राउन होने देंगे। अब ब्राउन हो गया है। अब ये देखिए, हम चने की दाल, इसको मैंने 6 घंटे के लिए भिगो दिया था और छान लिया है। चने की दाल को भिगो के छान लेना है हमें 5-6 घंटे भिगोने के बाद, और इसको हमें डाल देना है। और अब हमें इसको भून लेना है, पका लेना है अच्छे से, चने की दाल हमारी थोड़ी गल जाए। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही हमें इसको पकाना है। साथ में नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। थोड़ी सी हल्दी भी हमें डालनी है इसमें। ये देखिए 1/2 छोटा चम्मच हम हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच और कश्मीरी मिर्च डाल दी मैंने। अब हमें इसको पकाना है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमने ये लहसुन और मिर्च सारी चीज़ें साबुत डाली हैं। अभी हमें इसको मिक्सी में हम पीस लेंगे जब ये पक जाएगा, क्योंकि हमें इसको पराठा बनाना है तो बिना पीसे हम इसको नहीं बनाएंगे। दरदरा हमें इसको मिक्सी में पीस लेना है पकने के बाद। लो फ्लेम पर इसको पकने दीजिए थोड़ी देर। ये देखिए 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का कुचल के डाल दिया है कूट के, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें पिसनी है इसलिए हमें टेंशन नहीं है कि ये मोटा मोटा है। और हम इसे पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जब तक हमारी दाल भुन रही है हम आटा तैयार कर लेते हैं पराठा बनाने के लिए। ये मैंने आटा लिया है, 300 ग्राम के करीब गेहूं का आटा है। मैंने इसमें 1 बड़े चम्मच तेल के डाला है, रिफाइंड तेल या घी जो भी आपके पास हो डाल लीजिए। 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन का डाल लिया है और नमक डाल लेंगे। अब हम इसका आटा गूंथ लेंगे। अब हमें इसका आटा तैयार कर लेना है, सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से मोयन और नमक मिल जाए आटे में, फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए, ना बहुत सख्त आटा गूंथेगा ना बहुत ही मुलायम आटा। हमें रोटी जैसा डो लगाना है, रोटी से थोड़ा सा टाइट डो। इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, आटा गूंथ गया है लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं गूंथा है। अभी हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, उसके बाद फिर से इसको चिकना करेंगे। तब तक हम देख लेते हैं हमारा ये दाल, हमारा क्या हाल है इस दाल का। दाल भी हमारी पक चुकी है। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे, दाल को हम ले कर देखेंगे। इस पर अगर फूट जाती है अच्छे से तो हमारी दाल पक चुकी है। और अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को, और ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। फिर बाकी की थोड़ी चीज़ें हमें और इसमें डालनी है, फिर मैं बताती हूँ। थोड़ी ठंडी होने देते हैं पहले इसको और पीस लेते हैं। दरदरा हम इसको पीसेंगे। ये देखिए हमारा मसाला ठंडा हो गया है। खड़ी इलायची के हम छिलके हटा के और इसके बीज निकाल लेंगे और इसको पीसेंगे। हम इसका छिलका हटा देंगे, बड़ी इलायची जो है और छोटी इलायची दोनों का। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दाल को पीस लिया है, ज़्यादा ना बारीक है ना ज़्यादा मोटी है। इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डाल लेंगे और हमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिला लेना है। अगर आपको थोड़ा खट्टा खाते हो तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिला लीजिएगा। और बस इसको मिक्स कर लेंगे, और हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। मसाले हमने सारे पहले ही डाल दिए थे और किसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब बस ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, और हम अपना आटा देख लेते हैं। आटे को भी 5 मिनट हो गए हैं। हम इसको थोड़ा सा और गूंथ के चिकना कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारा डो भी रेडी है और हमारा स्टफिंग भी रेडी है। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। आपको जितना मोटा या पतला बनाना है आप ले लीजिए आटा। ये मैंने एक टेनिस बॉल के बराबर आटा ले लिया है। इसमें हम अपनी स्टफिंग स्टफ कर लेंगे। स्टफिंग आप कोशिश करें थोड़ी ज़्यादा हो और आटा कम से कम रखें। अब हम इसको पैक कर लेंगे।
एक तरफ हमने तवा भी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। ये देखिए ऐसे हमें दबा दबा के इसको भरते जाना है और पैक करते जाना है। आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में। अब हम इसको थोड़ा सा हाथ से फैला लेते हैं और इसके बाद हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए ऐसे पराठे की तरह हम बेल लेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको बनाने में, क्योंकि इसका जो स्टफिंग होती है ड्राई होती है, बहुत मोटी नहीं होती, वो गीली नहीं होती है, तो इसलिए आपका पराठा फटेगा भी नहीं और बहुत अच्छा बन जाएगा। ये देखिए हमने पराठा बना लिया है, अब हम इसको सेक लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड तवा गर्म है, हम एक पराठा डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे ही, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं, इसको एक साइड पहले पकने देंगे। तब तक हम ऐसे ही दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारा पराठा एक साइड पक रहा है और दूसरा मैंने पराठा बनाने के लिए ये आटा ले लिया है और इसको भी हम ऐसे ही कटोरी की तरह फैला के और इसको भर लेंगे स्टफिंग। इसमें स्टफिंग आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भर लीजिए। अब हम इसको ऐसे ही सील कर देंगे। पराठे पे भी ध्यान देंगे, एक साइड पक जाएगा ये हम पलट लेंगे। एक साइड थोड़ा सा हो गया है, अब हमने पलट लिया है। अब हम इस पर घी लगाएंगे। आप घी से सेकना चाहें घी से सेकें, या रिफाइंड से सेकना चाहें तो आप रिफाइंड में भी सेक सकते हैं। ये देखिए हमें इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। अब मैंने गैस की फ्लेम को तेज कर लिया है क्योंकि थोड़ा पक चुका है पराठा। पलट लेंगे और दूसरे साइड भी हम घी लगा लेंगे। मैं देसी घी में सेक रही हूँ, आप चाहिए तो आप सरसों के तेल में भी सेक सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है सरसों के तेल में। मैं कुछ पराठे घी में सेकूंगी और कुछ सरसों के तेल में। बच्चों को घी वाले पसंद है तो मैं बच्चों के लिए घी वाले बनाऊंगी और बाकियों के लिए सरसों के तेल में ही। रिफाइंड में ये नहीं अच्छा लगता है, आप सरसों का तेल या घी का ही यूज़ करें। इसको अच्छे से हम दोनों साइड से पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारा एक पराठा सिक गया है, अब हम दूसरा पराठा डाल लेंगे। ऐसे ही हम बाकी के सारे पराठे सेक लेंगे। एक साइड पहले थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद हम इसको पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड हमारे दो पराठे बन गए हैं। बाकी जैसे जैसे आप खाते जाइए वैसे बनाइए, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो मैं अब आपको प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से सिक गया, अब ये पराठा हटा लेती हूँ और प्लेटिंग करके दिखा। ये देखिए फ्रेंड हमारे चना दाल के पराठे तैयार हैं। मैंने इसको लाल चटनी, हरी चटनी और थोड़े से ये चटनी वाले आलू थे उसके साथ सर्व किया है। ये इसके साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, चटनी वाले आलू और हरी चटनी के साथ भी अच्छा लगता है। आप चाहें तो रायता, अचार किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ठंड के दिनों में। आजकल ठंड का सीज़न है तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फ्रेंड आपको मेरी ये चना दाल के पराठे की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।